दो तस्वीरें दिखाता हूँ ट्विटर हैंडल की। ये मोहन भागवत जी की है, जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया तब मैंने देखा उन्होंने कोई तिरंगा नहीं लहरा रखा था। ये आज ही की तस्वीर है और अब तक जब मैंने चेक किया तब तक उन्होंने तिरंगा नहीं लहरा रखा। आरएसएस का ये ट्विटर हैंडल है, जब तक मैंने चेक किया था तब तक आरएसएस के ट्विटर हैंडल पर भी तिरंगे की डीपी नहीं लगी थी। आप कह रहे थे कि आपको भी लगानी पड़ेगी डीपी, ठीक है, अगर तिरंगे के मान की बात है तो मैं डीपी जरूर लगाऊंगा, लेकिन आरएसएस ने नहीं लगाई डीपी। मैं समझा नहीं गुरेश भाई, ये देखा आपने? देखिए मैं आपको एक बात तो बताऊं, मोहन भागवत जी ने मई 2019 में ट्विटर ज्वाइन किया था, वो अकाउंट वेरीफाइड भी है, लेकिन 2019 से आज तक उन्होंने एक सिंगल ट्वीट नहीं किया। अच्छा, वो यूज ही नहीं हो रहा अकाउंट, आप देख लीजिए एक भी ट्वीट हुआ हो तो। खाली जो ट्विटर आईडी है हैंडल, उसमें भी डीपी नहीं लगी हुई? नहीं उसका मैंने नहीं देखा, लेकिन मोहन राव जी का मैंने जो देखा था। हाँ। मुझे मालूम है कि मैं कई बार उनको टैग करता था, लेकिन अच्छा वो खोल कभी यूज नहीं, कभी उन्होंने आज तक यूज ही नहीं किया ट्विटर। ये वाली जो मैं चला रहा हूं इसमें आरएसएस ऑफिशियल अकाउंट है, उसमें भी नहीं है डीपी चेंज की। आप आरएसएस से पूछिए ये बात। नहीं आप बता रहे थे ना आपके प्रेरणा स्रोत है आरएसएस, मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना, आपके प्रेरणा स्रोत ही है ना आरएसएस? मुझे ये नहीं, आरएसएस आपका प्रेरणा स्रोत है कि नहीं? नहीं बिल्कुल है, 110% है ना, कोई अब मैं उसी पर आता हूं। चलिए ठीक है, कब ये ट्विटर हैंडल और कब अपडेट नहीं किया, क्यों नहीं किया, मैं उस पर नहीं जाता। आपने कहा कि हमारे प्रेरणा स्रोत है आरएसएस। 14 अगस्त 1947 को आजादी की पूर्व संध्या पर आरएसएस के मुख्य पत्र, ऑर्गेनाइजर आपका मुख्य पत्र है, उसमें लिखा गया, मैं पढ़ देता हूं सर, उसमें क्या लिखा गया। ऑर्गेनाइजर का नियमित लेखक हूँ, ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य में दोनों में प्रकाशन होते हैं मेरे लेख, लेकिन मुख्य पत्र नहीं है वो संघ का। जी जी मैं आपको बता देता हूँ, लिखा गया जो किस्मत से सत्ता में आ गए वो लोग हमारे हाथ में तिरंगा दे सकते हैं, जो लोग किस्मत से सत्ता में आ गए वो लोग हमारे हाथ में तिरंगा दे सकते हैं, मगर हिंदू इसका सम्मान नहीं करेगा। ये तीन का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है। ये जो तीन रंग हैं वो मानसिक तौर पर कुप्रभाव डालेगा और देश के लिए हानिकारक है। प्लीज गुरेश भाई, ये पूर्व संध्या पर थोड़ा सा आप त्रुटि सुधार कर लें। आरएसएस का मुख्य पत्र ना ऑर्गेनाइजर है ना पांचजन्य है, हाँ स्वयंसेवक चलाते हैं उसको, लेकिन वो मैं दोनों में लिखता, मैं दोनों में लिखता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। हमारे स्वयंसेवक चलाते हैं उसको, लेकिन संघ का मुख्य पत्र नहीं है, संघ के मुख्य अच्छा प्रवक्ता होते हैं। अच्छा तो ये मैं कोड गलत तो टीवी चैनलों पर संघ प्रवक्ता के नाम से बैठ जाते हैं डिबेटों में, वो भी संघ के प्रवक्ता नहीं है, संघ के प्रवक्ता। मैं आपकी बात से एग्री कर जाता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैंने कोड गलत तो नहीं किया? ये नहीं पढ़ा, मैंने 14 अगस्त का जिक्र किया 1947 का, लेकिन संघ का मुख्य पत्र ना पांचजन्य है ना ऑर्गेनाइजर है, और मैं खुशकिस्मती से दोनों में लिखता हूँ। अच्छा आप लिखते हैं तो गोवलकर साहब में तो आप यकीन रखते हैं ना, जो आपके सर संचालक रहे जी है ना, मैं उनका पढ़ देता हूँ, बंच ऑफ थॉट, उसमें वो लिखते हैं किताब में, तिरंगा कभी मान नहीं हमेशा भगवा की पैरोकारी, गोवरकर साहब बोल रहे थे। आपको शायद स्मरण होगा 2017 या 18 का वर्ष था, विज्ञान भवन में माननीय मोहन राव भागवत जी का कार्यक्रम था, और जहां तक उन्होंने कहा था मुझे स्मरण आ रहा है कि बंच ऑफ थॉट्स भी या कोई भी पुस्तक जो नहीं होती है, कोई भी पुस्तक हो वो समय काल स्थिति परिस्थिति के हिसाब से होती है, उस समय भारत के दो बाजू कट गए थे। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा था, लेकिन लेके सुन लीजिए संघ प्रमुख यदि मोहन राव जी कहते हैं आज के समय तिरंगे के विषय में, वो संघ की ऑफिशियल लाइन है। सरदार पटेल का तो आप सब सम्मान करते हैं ना, मुझे पूरा यकीन है पूरा देश उनका सम्मान करता है, सरदार पटेल जी का सम्मान करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, 1948 में आरएसएस पर बैन लगा था और 1949 में यह प्रतिबंध हटा था,
आई एम राइट गुरेश भाई, 1948 में ये बैन लगा और 1949 में इस बैन को हटाया गया था। तब सरदार पटेल जी ने एक शर्त रखी थी और ये सबसे अहम शर्त थी कोवलकर जी के सामने, और वो शर्त ये थी कि आपको तिरंगे का सम्मान करना पड़ेगा और तिरंगे को कबूल करना होगा। तिरंगे का सम्मान करना पड़ेगा और तिरंगे को कबूल करना होगा, तब प्रतिबंध हटेगा। ये शर्त रखी गई थी। मैंने गलत कोट तो नहीं किया गुरेश भाई? मैंने ये शर्त नहीं पढ़ी। मैंने इसमें जो पढ़ा था कि आपको अपना संविधान बनाना होगा, आप जो राजनीतिक प्रक्रिया होती है उससे दूर रहेंगे, आपका संविधान जो है वो पूरा के पूरा होना चाहिए। ये भी झूठ है कि आरएसएस कार्यालय में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया, ये भी झूठ है। बिल्कुल झूठ है, इसलिए झूठ है, बिल्कुल ये 100% इसलिए झूठ है क्योंकि 2002 और कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए जो बोल रहा हूँ मैं, इनके जो सांसद थे मिस्टर जिंदल, उन जिंदल साहब ने जो केस लड़ा था उसके बाद मैं वो पूछ लूंगा उमरनाथ जी से, 2002 तक क्यों इंतजार किया? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपने मैंने पूछा कि 2 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया, एक बार जब अलाउ हुआ, जब लीगल हुआ है 2002 के बाद, नॉन गवर्नमेंट संस्था चाहे घर हो, पॉलिटिकल ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो, उसमें तो 2002 तभी आरएसएस कार्यालय में नहीं लहराया गया तिरंगा। भाई साहब जिस दिन से अनुमति मिली है कोर्ट के माध्यम से उस दिन से रेगुलर लहराया गया। ओंकार नाथ जी इसका मतलब आप लोग अफवाहें फैला रहे थे कि आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, वो कह रहे जिस दिन हुआ उस दिन जो है तिरंगा उस दिन से लहराया जाता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी आना चाहे तो आप भी आ सकते हैं। हमें आप पे बड़ी दया आ रही गुलरेज भाई, हमें बड़ी दया आ रही कि आप ऐसी पार्टी में हो जहां लोकसभा में 545 में 303 एमपी हैं और एक मुसलमान नहीं है, और आप पर दया आ रही हमको, आप उसके लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहे हो? क्या लड़ाई लड़ना चाह रहे हो? कौन सा संदेश देना चाहते हो? मैं खुद कहता हूँ कि कांग्रेस जो है जब तक इसमें विदेशी ब्लड नहीं मिला था तब तक खराब पार्टी नहीं थी। इसका खराबी तो राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के बाद कैसे तो आपका भी कह दिया जाएगा, मुगल भी बाहर से आए थे। गुरेश भाई कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? सिंसियरली ऑब्जेक्ट नहीं गुरेश भाई, आई सिंसियरली ऑब्जेक्ट बात थी नहीं। प्लीज गुरेश भाई, गुरेश भाई प्लीज ऐसे नहीं।